दोस्तों आईपीएल 2020 तो 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तक बीसीसीआई से ऑफिशियल शेड्यूल नहीं मिला है। तो जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो अभी तक बीसीसीआई से शेड्यूल क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको बता दूं, वीवो को इस साल टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटाया गया है, तो नया टाइटल स्पॉन्सर बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है और उसके साथ साथ नया शेड्यूल भी। लेकिन दोस्तों शेड्यूल को लेकर एक बहुत ही बड़ा हिंट मिल चुका है। क्रिस ग्रीन अपने टीम का कप्तान बन चुके हैं और तीन टीम ऐसी है जो सबसे पहले यूएई पहुंचने वाली है। तो यही तीनों अपडेट्स को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। काफी कमाल का वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और अगर आप सही जवाब सबसे पहले देते हैं तो अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा कर रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप CPL, IPL या किसी भी क्रिकेट मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ मैच प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन या विनिंग टीम के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार लकी भाई से जरूर कांटेक्ट करिएगा। लकी भाई का सभी कांटेक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही कम रेट्स में आपको प्रेडिक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करें तीन टीमों के बारे में जो सबसे पहले यूएई पहुंचने वाली है, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम। तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले सुनने को मिल रहा था चेन्नई की टीम 12 तारीख को यूएई पहुंच जाएगी, लेकिन टीम ने अचानक चेन्नई में ही 6 दिन का प्रैक्टिस कैंप लगाने के बारे में सोचा और उसके बाद यूएई जाने वाला है। तो KKR की टीम सबसे पहली टीम होने वाली है जो 21 अगस्त को ही IPL 2020 के लिए यूएई जाने वाली है और रिट्ज़ कार्ल्टन होटल में रुकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर टीम दुबई में रुकने वाली है, लेकिन KKR और मुंबई की टीम अबू धाबी में अपना बेस कैंप लगाने वाली है। तो दोस्तों KKR टीम के साथ साथ 21-22 तारीख को ही MI और CSK की टीम भी यूएई पहुंचने वाली है। तो मुंबई की टीम अबू धाबी में सेंट रेजिस होटल में और CSK की टीम दुबई में ताज दुबई होटल में रुकने वाला है। तो दोस्तों सभी टीम्स यूएई पहुंचने के बाद 6 दिन का क्वारंटीन प्रोसेस चलेगा और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो बायोसिक्योर बबल में रहने का परमिशन मिल जाएगा और IPL खत्म होने तक इसी बायोसिक्योर बबल्स के अंदर रहना होगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है दोस्तों KKR टीम के स्पिन ऑलराउंडर क्रिस ग्रीन को लेकर। तो दोस्तों क्रिस ग्रीन को CPL 2020 में अपना टीम गुआना अमेज़न वॉरियर टीम का कप्तान बनाया दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफी चौंका देने वाली बात कि क्रिस ग्रीन काफी युवा एक खिलाड़ी है जिनको अभी से CPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में टीम का कप्तान बनाया दिया गया है। तो आपको बता दूं CPL 2020 18 अगस्त यानी कि कल से शुरू होने वाला है और फर्स्ट मैच टीम मंगो नाइट राइडर्स यानी कि TKR वर्सेस गुआना अमेज़न वॉरियर के बीच खेला जाएगा और इसी मैच से ही क्रिस ग्रीन को कप्तानी करते देखने को मिलेगा। आपको बता दूं 2019 में रिया देमरीस इस टीम का कप्तान थे और इस साल क्रिस ग्रीन को कप्तान और निकोलस पोरान को साथ देने के लिए उप कप्तान बनाया गया है। तो KKR फैंस के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज कि KKR टीम के इस प्लेयर्स को गुआना अमेज़न वॉरियर टीम ने काबिल समझा और टीम का कप्तान बना दिया। और आखिरी न्यूज के बारे में बात करें जो कि है IPL 2020 की शेड्यूल को लेकर, तो दोस्तों स्टार पोस्ट ने इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बीसीसीआई से शेड्यूल देखने को नहीं मिला है क्योंकि वीवो को इस साल टाइटल स्पॉन्सर से हटाया गया है। तो नया टाइटल स्पॉन्सर घोषित ना होने तक बीसीसीआई शेड्यूल घोषित नहीं करने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं रोहित शर्मा ने शेड्यूल को लेकर एक बहुत ही बड़ा हिंट दे चुके हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद रोहित शर्मा ने ट्विटर में धोनी को लेकर एक पोस्ट में बताया कि CEO 19th एट द टॉस, यानी कि नए शेड्यूल के मुताबिक भी फास्ट मैच 19 तारीख को मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा और पुराने शेड्यूल को ही दोबारा से नए डेट्स और टाइमिंग के साथ बीसीसीआई रिलीज करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मैच मुंबई और चेन्नई के बीच, सेकंड मैच दिल्ली और पंजाब के बीच और थर्ड मैच कोलकाता और बेंगलोर के बीच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं इनसाइड स्पोर्ट्स टीम ने बीसीसीआई को शेड्यूल को लेकर बात कर चुके हैं और 10 अगस्त को बीसीसीआई ने बताया कि 7-8 दिन के बाद ही शेड्यूल घोषित हो जाएगा। तो उस हिसाब से 19 से 20 अगस्त के बीच ही नया शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दूं पिछले वाले वीडियो में पूछा गया सवाल का जवाब है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लास्ट ODI मैच में 50 रन बनाए थे और इसका सही जवाब सबसे पहले दिया है जीतू जैन ने, उसके बाद अस्टिन बिनो और पर्थ गेमिंग ने। तो आज का सवाल है सचिन तेंदुलकर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने लास्ट टेस्ट मैच में कितने रन बनाए थे। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट्स जो मैं इस वीडियो में आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।